गाइस, तो आज हमारे पास है ये वॉच। इसका नाम है क्रॉसफिट इग्नाइट S3। बाकी आपको डिटेल बताएंगे वॉच के बारे में, क्या क्या डिटेल है एंड सब कुछ आपको बताएंगे डिटेल में। और मेरे साथ एक छोटा सा धोखा हुआ है, वो धोखा मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे। चलो फिर हम अपना पैकेज अनबॉक्स करते हैं, आ जाओ। सो गाइस, हमारा पैकेज हमारे पास आ चुका है। वाह हेलो। तो चलो ये हमारी नाराजी वाली कैची से इसे अनबॉक्स करते हैं। बहुत पुरानी कैची है ये, तो हमारे पुरखों की कैची। तो हमारी अनबॉक्सिंग ऐसी होती है। तो गाइस पहले आया इसका इनवॉइस जो कि है ये इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। दो मिनट साइड रखते हैं। गाइस ये वैसे तो बबल रैप में आई थी, देखो ऐसा पैकिंग काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी बढ़िया पैकिंग थी, बट हमारे साइड से देखते हैं। एंड अब ये वॉच आ गई हमारे सामने, वॉच का मतलब बॉक्स आ गया हमारे सामने। तो इसमें पीछे कुछ लिखा है, मतलब इसकी डिटेल्स लिखी है कि ये 10th फोर्थ मोड है, फुल मेटल बॉडी केस है, हेल्थ मॉनिटर है, अप टू 7 डेज बैटरी लाइफ है, रोटेटिंग क्राउन बटन है, एंड वॉइस कॉलिंग है, डुअल थीम है, IP67 वाटर प्रूफ है। IP67 वाटर प्रूफ का मतलब डस्ट एंड सैंड प्रूफ होता है। एंड ये एटलीस्ट 1 मीटर तक वाटर प्रूफ रहती है, कि लाइक 30 मिनट्स तक आप 1 मीटर में रखोगे तो वाटर प्रूफ होती है। ओके एंड इसमें काफ़ी सारे सेंसर्स वगैरह भी आते हैं उन्होंने, जो कि आजकल हर स्मार्ट वॉच में आते हैं। एंड बाकी कुछ मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। यहाँ पे वेबसाइट दी है, यहाँ पे क्रॉसफिट का वो दिया है, यहाँ इग्नाइट लिखा है Series 3, एंड जस्ट इतना ही है। तो चलो बॉक्स को खोलते हैं अपनी नाना जी वाली कैची से। ये खुशी खुशी देख रहे हो लड़के की, खुशी देख रहे हो हमारी, ये हम इसी में डालेंगे। तो मैं आपको एक सजेशन ये भी दूंगा कि आप लोग अगर ऐसे अपना अनबॉक्सिंग करते हैं अपने घर पे, तो ये जो कचरा होता है लाइक आप इधर उधर ना फेंकें, इसमें ही रख दें, वरना झाड़ू से मार भी पड़ सकती है। सो ये रही वॉच। ओ तेरी वॉच नहीं है, रुको, हेलो नमस्ते। तो इसको हम निकालते हैं, आओ। तो ये हमें नॉर्मल दिया है कि हेलो नमस्ते का वो। इसमें पेनल्टी एक्टिवेट करने के लिए हमें स्कैन करके रिडीम करना होगा, रिडीम गिफ्ट भी लिखा है यार, कुछ ऐसा कुछ है। तो ठीक है, देखते हैं इसको। ये हमें कोई एक स्टार्ट दिया है, गाइड वो है जो कि इसको भी करते हैं। तो फाइनली अब आते हैं वॉच पे, एंड ये रही वॉच। ओ माय गॉड, ये पैकिंग में आती है। तो ये है वॉच, ये देख सकते हैं आप, ये अभी से साइड रखते हैं हम। उसके बाद आते हैं इसमें, यहाँ पे आपको एक चार्जिंग केबल दिया जो कि मैग्नेटिक है, एंड इसके नीचे यूज़र मैनुअल दिया है, जैसे कैसे यू कैन यूज़ दिस, सब कुछ दिया है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम ये सारा चीज़ रखते हैं एंड सबको हम साइड सरकाते हैं। अब आते हैं हम अपनी वॉच। तो सॉरी यार आप लोग, मुझे उस चीज़ के लिए माफ़ करना, आज मुझे बैठ बैठ के वीडियो बनानी पड़ रही है। नॉर्मली मैं टेबल बनाता हूँ, बट तो ये कुछ वॉच है, इसको हम ओपन करते हैं यूं करके। तो सो गाइज यू कैन सी कि इसकी डिस्प्ले बड़ी फाड़ू सी लग रही है, एंड यहाँ पे एप्पल की तरह रोटेट बटन दिया है। इसमें माइक भी है, इसमें स्पीकर भी दे रखे हैं, स्पीकर आई डोंट नो कहाँ है, पीछे ग्लास ही है। एंड यहाँ पे सेंसर है, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट हैं दो जो कि मैग्नेटिक है। इसके स्ट्रैप्स जो है वो कि रिमूवेबल है, एंड ये मेटेलिक बॉडी में है, नहीं पॉलीकार्बोनेट नहीं है, ये मेटेलिक बॉडी में है, तो इससे आपका थोड़ी सेफ्टी ज़्यादा हो जाती है। तो चलो इस वॉच को अगर आप यूँ प्रेस करके रखेंगे तो ये ऑन हो जाएगी। तो हम ऑन करते हैं इसको, यो तो क्रॉसफिट लिखा आ गया। तो इसमें थीम सेट आई है, अगर आप इसको ऊपर से नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे सारे फंक्शंस हैं, फ्लैश ओके, एंड ये नाइट मोड, ये ब्लूटूथ, ये वाइब्रेशन का है आई थिंक, नो ब्लूटूथ कनेक्टेड दैट्स व्हाई, एंड ये ब्राइटनेस, आई थिंक इसमें ऑटो ब्राइटनेस का भी ऑप्शन है शायद, मुझे चेक करना पड़ेगा। एंड ये थीम है, थीम दो तरह की थीम है इसमें, थीम दो तरह की होगी, थीम दो तरह की होती है लाइक, इसमें एक होती है स्क्रोलिंग वाली, एक होता है लाइक नॉर्मली एप्पल की तरह जो बहुत सारा बब्स पे आ जाता है स्क्रीन पे। एंड ये सेटिंग पे आ जाए, सेटिंग में आप ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं,
प्लस माइनस कर सकते हैं, ये थीम सेट कर सकते हैं आप। उसके बाद पावर ऑफ, अबाउट, फैक्ट्री मोड, आई डोंट नो फैक्ट्री मोड क्या है, चेक करना पड़ेगा। इग्नाइट S3 फैक्ट्री मोड में, ओके इसको रीसेट करना होता है, रीसेट के लिए है ये। अब यहाँ से हम इसको ऊपर करते हैं एंड राइट करते हैं, तो राइट में BPM हमारा नोट करेगा एंड BPM में आई थिंक कनेक्ट नहीं है, दैट्स वाई इसकी लाइटिंग नहीं हो रही। अभी कनेक्ट होगा एक बार तब पता लगेगा। बोल बाकी और ये ठीक। स्ट्रेस मॉनिटर भी है इसमें एंड स्टेप्स काउंट भी है इसमें, स्टेप्स काउंट में ही कैलोरीज वगैरह का होगा। और ये इसमें हम ये सेट कर सकते हैं। तो अभी पेयर नहीं है कोई भी फ़ोन इसके साथ, तो अभी आपको मिलेगा नहीं। बाकी कॉल डिटेल्स वगैरह, कॉन्टैक्ट वगैरह भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, नॉर्मली आ जाता है। फिर हम उससे लेफ़्ट स्वाइप करते हैं तो कॉल डिटेल। अब यहाँ पे आते हैं हमारे बहुत सारे फंक्शन, जैसे कि ये वॉइस असिस्टेंट है हमारा, वो कनेक्ट होगा जब भी पता लगेगा इसमें। एंड उसके बाद शेड्यूल, मीटिंग वगैरह शेड्यूल कर सकते हैं हम, ठीक है। तो एक एक टाइप का रिमाइंडर डाल सकते हैं, फाइंड माई फ़ोन है, फाइंड फोन समथिंग करके कर सकते हैं हम। अलार्म सेट कर सकते हैं, उसके बाद स्ट्रेस मॉनिटर चेक कर सकते हैं हम। कैमरा भी कंट्रोल कर सकते हैं अगर फ़ोन कनेक्ट हो इससे तो। वेदर, वॉस, टाइमर का लगा सकते हैं, म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हैं। क्यू आर कोड आई थिंक इस को वॉच को कनेक्ट करने के लिए होगा। एंड उसके बाद सिंपली सेटिंग, डायलर होगा आपका, अगर वो कनेक्ट होता है ब्लूटूथ तो मोबाइल कनेक्ट होता है डायलर भी आपका वर्क करेगा। उसके बाद स्पोर्ट्स मोड है हमारे, स्पोर्ट्स मोड में इसमें 10 मोड दिए हुए हैं, तो दिस इज इनफ फॉर अस। बाकी एक्टिविटी मोड है, एक्टिविटी में अपना आपको पता ही है कि स्टेप वगैरह काउंट होते हैं, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, तो SpO2 ब्लड प्रेशर यहाँ से होता है, ब्लड प्रेशर चेक, ओके। तो SpO2, स्लीप मॉनिटर भी है इसमें, तो यू नो स्टॉप वॉच भी है। तो सिंपली इतना है इसमें। तो अब वॉच को हम साइड में रखते हैं कुछ सेकंड के लिए, आई थिंक इसको स्विच ऑफ करना पड़ेगा। यप, तो गाइस वॉच में अभी के लिए इतना ही था। बाकी आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके ये वॉच परचेज की है एंड मेरे अकॉर्डिंग अंडर 5000 ये सबसे बेस्ट वॉच है। अब मुझे जो पड़ी है ये पड़ी है अराउंड 4200 समथिंग की, बिकॉज हमें कुछ डिस्काउंट मिल गया था। तो अगर वो डिस्काउंट अप्लीकेबल होगा तो भी मैं लिंक डाल दूंगा, नहीं होगा तो भी मैं इसमें इस वॉच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट वॉच है, ओके। तो एक वॉच और देखी थी हमने, वो भी क्रॉसफिट की ही थी, तो उसका भी लिंक डाल दूंगा। उसमें से उसमें थोड़ी सस्ती है, थोड़े फंक्शन डाउन है, डिस्प्ले डाउन है, बट उसमें टेम्परेचर मॉनिटर वगैरह भी दिया हुआ है, तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं आप। बाकी आपको मैं एक यूज़र रिव्यू भी बना के दिखाऊंगा, उसके लिए आप मुझे 1 वीक का टाइम दो, नेक्स्ट वीक पहले मैं यूज़ कर लेता हूँ फिर आपको यूज़र रिव्यू दूंगा। सो जस्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्ते, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सब्सक्राइब प्लीज़ करके जाइएगा, क्योंकि बहुत खर्चा, बहुत मेहनत, बहुत हिम्मत लगती है ये सब करने में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। एंड कमेंट करके आप सजेशन दे सकते हैं हमें कि हम क्या इम्प्रूव करें आपकी वीडियो में, एंड शेयर आपको करना है क्योंकि हमारी फैमिली जल्दी से आपको 10K की करानी है। एंड लास्ट थिंग इज कि आप लोग प्लीज़ लाइक कर देना अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। तो बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।